है, रिहाई नहीं होती है, तो हम सब आक्रोश रैली करेंगे, बहुत भयंकर रैली करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने अपने घरों में जाइए, भीड़ नहीं एकत्रित करिए। महाराज जी जहाँ हो उन्हें तत्काल रिहा करें और हम सबको सूचना दे कि महाराज जी कहाँ है। उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती के विरोध के बीच अब उनके समर्थन में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बरेली में महंत योगी सरोजनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को समर्थकों ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र देकर कहा कि पुलिस ने महाराज को गिरफ्तार करके कहाँ रखा है, समाज को इसकी सटीक सूचना दी जाए। सर तन से जुदा करने के नारे लगाने वालों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी के बाद से यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पैगंबर साहब पर अशोभनीय बयान देने के मामले में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बरेली में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार की रात को यहाँ कुछ लोगों ने यति नरसिम्हानंद का पुतला जला दिया था। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया तो भीड़ ने थाना घेर लिया था। बाद में पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। रात में ही आईएमसी के अलावा जमात रजाए मुस्तफा के पदाधिकारी थाने पहुंचे थे। जमात के पीआरओ मोइन खान के मुताबिक पुलिस ने रात में ही दोनों युवकों को छोड़ दिया था। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को भुता थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी महंत योगी सरोजनाथ अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को दिए मांग पत्र में कहा कि महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद महाराज को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक महाराज का कोई अता पता नहीं है कि पुलिस उन्हें लेकर कहां गई है। महाराज के बारे में हम सभी को सही सूचना दी जाए, बताया जाए कि उन्हें कहां रखा है और हम सर्व हिंदू जनमानस परम पूज्य महाराज की रिहाई की मांग करते हैं। आज मैं जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आया हूँ कि हमारे धर्म गुरु परम पूज्य महाराज यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज जी को दासना धाम देवी मंदिर से पुलिस गिरफ्तार करते ले जाती है। महाराज जी का अभी तक कोई पता नहीं है, महाराज जी को कहाँ ले गए। हम सब हिंदू परेशान हैं, बेचैन हैं और मैं महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि महाराज जी जहाँ हों उन्हें तत्काल रिहा करें और हम सबको सूचना दे कि महाराज जी कहाँ है। हम अभी ज्ञापन दिए हैं, इसके बाद अगर हमारे महाराज जी की पता नहीं चलती है, रिहाई नहीं होती है, तो हम सब आक्रोश रैली करेंगे, बहुत भयंकर रैली करेंगे। और महाराज जी ने आज जो कमलेश तिवारी की गला काट दिए, नीता तोमर को मारे, महाराज जी के ऊपर हजार करोड़ का इनाम है नरसिम्हानंद जी महाराज जी के ऊपर, लेकिन रात में 9:30 एक देशद्रोही दासना देवी मंदिर पर आते हैं महाराज जी की हत्या करने और मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा हो, महाराज जी को रिहा किया जाए, इसलिए हम सब हिंदू जनमानस आज जिला कार्यालय पे आए हुए हैं। इस दौरान चेतराम, अंकुर मिश्रा, अमित मिश्रा, शरण शर्मा, अमर सिंह, राजेश कश्यप आदि शामिल रहे। उधर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की बैठक में अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाए। किसी भी धर्म के महापुरुष, देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ जारी आक्रोश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद में एक महिला का नरसिम्हानंद पर विवादित बयान देने से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। उधर बहराइच में एक व्यक्ति द्वारा पैगंबर साहब पर विवादित मैसेज वायरल करने के बाद यहां हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे। हालांकि पुलिस ने कई थानों का फोर्स लगाकर स्थिति कंट्रोल की है।